हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईडीजेम केमिस्ट्री में आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, उसके ग्राफ पूछे जाते हैं, ग्राफ के नेचर पूछे जाते हैं, ग्राफ के नेचर दिए जाते हैं, ऑर्डर पूछे जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो उसी को हम टारगेट करेंगे आज के सेशन में। क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, द प्लॉट ऑफ वन अपॉन ए वर्सेस टाइम गिव्स स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज। तो यहाँ पे आपको तीन ग्राफ पता होने ही चाहिए क्योंकि ये ग्राफ बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है हमेशा की तरह जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फिर आता है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं, जिसका इक्वेशन होता है ए जीरो माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको। वर्स ग्राफ किसके किसके बीच में है, ग्राफ मान के चलना यहाँ पे आपका ए टी वर्सेस टाइम के बीच में है। ठीक है, तो आपको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लाना है। ए टी को यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो माइनस के टी प्लस ए जीरो लिख सकती हूँ मैं। यस, लिख सकते हैं। y is equals to mx plus c, mx plus c स्लोप है नेगेटिव, इंटरसेप्ट दिया है, ये हो जाएगा आपका ग्राफ। ये आपका इंटरसेप्ट क्या निकल के आएगा, a जीरो निकल के आएगा, और स्लोप क्या होगा आपका, स्लोप होगा माइनस k। हो गया जीरो के लिए, जीरो के लिए खत्म। अब फर्स्ट के लिए देखते हैं, फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट के लिए जब मतलब पता ही है कि भाई फर्स्ट के लिए क्या है, लॉग वाला देखिए, फर्स्ट वाला लगा देना। आपको पता है इक्वेशन क्या है, वन अपॉन टी ln of a zero upon a t, ठीक है। और यहाँ पे पूरा जैसे आप क्लासिफिकेशन मतलब पूरा मॉडिफिकेशन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ln a one upon मतलब ln a t versus टाइम ले लिया है मान लो, तो ये भी ग्राफ का नेचर इस तरह से हो जाएगा। आप कंसिडर कर सकते हो, ये इक्वेशन बन जाएगा क्या, ln a t is equals to, ये आपका बन जाएगा माइनस के टी प्लस ln a zero। अब ये मैं डायरेक्टली लिखी हूँ, आप कर सकते हो अलग से लिख इक्वेशन लिख के बता सकते हो, ये हो जाएगा। और थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन जाता है 80 माइनस ए जीरो इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो हमें प्लॉट करना है 1 अपॉन 80 वर्सेस टाइम में, हम क्या कर लेते हैं के टी प्लस 1 अपॉन ए जीरो लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 80 अपॉन टाइम। करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पॉजिटिव स्लोप, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। और ये बहुत बार पूछा गया है, ये दो, ये जो ग्राफ है ये और ये बहुत बार पूछा गया है। और यही क्वेश्चन देखो, ये सारे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं IIT एग्जाम, CUET, TFR, ये सारे एग्जाम में आए हैं, इसलिए रिपीटेड कंसेप्ट मैंने टॉपिक को नाम दे दिया है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे 1/t वर्सेस पूछा है, मतलब क्या करना है आपको ऑर्डर। अब मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना आपको, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब भी आपको 80 वर्सेस टाइम दिया जाए, वो भी स्ट्रेट लाइन दिया जाए, निगेटिव स्लोप, जीरो ऑर्डर लगा के आना। जब भी आपका ln या log दिया जाए वर्सेस टाइम, निगेटिव स्लोप, फर्स्ट ऑर्डर लगा के आना। और जब भी 1/a वर्सेस टाइम दिया जाए, सेकेंड ऑर्डर लगा के आना। और ये बहुत बार पूछा गया, आप देख सकते हो कोई भी एग्जामिनेशन हो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही एक कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।